तो वहीं मुजफ्फरनगर में जारी महापंचायत के बीच आपको बता दें कि बीजेपी विधायक की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है मुजफ्फरनगर से, जहां पर बीजेपी विधायक की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बीजेपी विधायक का नाम उमेश मलिक बताया जा रहा है, जिनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उनके घर के बाहर पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। आपको बता दें उमेश मलिक कुछ दिन पूर्व किसानों की राजधानी सिसौली में उमेश मलिक के साथ भी अभद्रता की खबरें सामने आई थी। तो तस्वीरों में उमेश मलिक का घर है, जिनके बाहर फोर्स लगा दी गई है। आपको बता दें कि आज मुजफ्फरनगर में जो महापंचायत चल रही है, उसको देखते हुए उमेश मलिक के घर की सुरक्षा बढ़ाई गई है। आपको बता दें कि जनपद के जनप्रतिनिधियों के आवासों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। तो ये सिक्योरिटी पर्पसेस से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक तरफ जहां महापंचायत चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी विधायकों की सुरक्षा बढ़ाई जा रही है, बीजेपी नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। और इस बीच उमेश मलिक जो बीजेपी से विधायक हैं, उनके घर के बाहर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है, उनके घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि उमेश मलिक ने बयान दिया था, उन्होंने कहा है कि 2013 के दंगों में शामिल लोग हैं जिन्होंने जिले में आग लगाई थी, और वही महापंचायत के मंचों पर गैर राजनीतिक व लंबरदार वही लोग हैं जिन्होंने 2013 दंगों में शामिल थे, वही लोग आज महापंचायत के मंच पर नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ा बयान उमेश मलिक की तरफ से आया है, जिन्होंने सीधा आरोप लगाया है कि महापंचायत में जो लोग शामिल हैं वो दरअसल वही लोग हैं जिन्होंने 2013 के दंगों में आग लगाने का काम किया था। तो उनके इस बयान के बाद आपको बता दें कि उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही जिले के अन्य जनप्रतिनिधियों की भी सुरक्षा बढ़ाए जाने की खबर सामने आ रही है। बीजेपी विधायक उमेश मलिक का ये घर है, जहां पर बाहर पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। महापंचायत चल रही है मुजफ्फरनगर में, तो ऐसे में जहां अन्य पार्टियां इसको बाहर से समर्थन दे रही हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने भी महापंचायत के समर्थन में ट्वीट किया है, बसपा हो, समाजवादी पार्टी हो, आरएलडी हो, सभी ने समर्थन दिया है। लेकिन ये जो महापंचायत है, ये कहीं ना कहीं तल्ख रवैया अख्तियार करके बैठी हुई है बीजेपी के खिलाफ। तो ऐसे में बीजेपी के विधायक उमेश मलिक के घर की सुरक्षा बढ़ाए जाने की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि उमेश मलिक ने इससे पहले बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 2013 के दंगों के दौरान ये लोग शामिल थे जो आज महापंचायत के मंचों पर बैठकर लंबरदार बन रहे हैं। तो उमेश मलिक ने क्या कुछ कहा है, आप उसको भी जरा सुनिए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ तस्लीम राणा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। तस्लीम, बीजेपी विधायक की जो सुरक्षा बढ़ाई गई है, इसके बाद क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहा है, और भी विधायक या फिर और भी नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई गई है? जी तस्लीम जी, मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी विधायक उमेश मलिक की सुरक्षा बढ़ाई गई है, उन्होंने जो बयान दिया है उसको देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई गई है, या फिर अन्य बीजेपी नेताओं या जनप्रतिनिधियों की भी सुरक्षा बढ़ाई गई है? बिल्कुल कांद्र, बताना चाहूंगा मैं आपको, हाल ही में किसान महापंचायत से पहले ही बीजेपी विधायक उमेश मलिक सिसोली पहुंचे थे, यहां पर उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की गई थी और वही उपद्रव हुआ था। तो ये उपद्रव किसी से छुपा नहीं था, तो वहीं जिसके बाद से जो ये तनातनी का माहौल था तो कहीं ना कहीं देखने को मिला था। इसके बाद से ही आज जैसे ही जन सैलाब मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत में देखने को मिला, तो इससे इसको देखते हुए प्रशासनिक अधिकारियों ने जो बीजेपी विधायक उमेश मलिक व केंद्रीय मंत्री बीजेपी केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान के आवास की सुरक्षा को बढ़ा दिया है, क्योंकि जो ये आवास है बीजेपी विधायक उमेश मलिक और बीजेपी सांसद एवं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान का जो आवास है, ये उसी जगह पड़ता है जहां पर ये किसान महापंचायत की उसी के दायरे में पड़ता है, जिसके सुरक्षा की दृष्टि से यहां पर जो ये महापंचायत थी, हालांकि इसको लेकर भी भारी पुलिस बल अलर्ट किया गया था, प्रशासनिक अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रखा गया था, लेकिन जैसे ही जन सैलाब उमड़ा देख यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों ने बीजेपी विधायक उमेश मलिक और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान के आवास की सुरक्षा को बढ़ा दिया है, भारी पुलिस बल उनके आवास पर
हितवाय किया गया है। तस्लीम, जी बिल्कुल तस्लीम, क्योंकि आप मौके पर मौजूद हैं, ये और बताइएगा जरा कि वहां पर एक भारी जनसैलाब उमड़ा है, तस्वीरों के जरिए हम देख सकते हैं, तो ऐसे में क्या सुगबुगाहट है, क्या जमीनी, क्या ऐसा क्या माहौल बना हुआ है, बीजेपी नेताओं के खिलाफ वहां पर माहौल बनता दिख रहा है क्या? बिल्कुल काउंटर बताना चाहूंगा, जैसे ही किसान आंदोलन लगातार जारी है तो उसके बाद से ही पश्चिम यूपी के अंदर बीजेपी जो नेता है, बीजेपी विधायक हो, बीजेपी के मंत्री हो, उन सभी को नहीं, तस्लीम मुजफ्फरनगर की बात कर रहा हूँ, मुजफ्फरनगर में क्या लग रहा है आज की तारीख पे, मुजफ्फरनगर में जो लोकल के नेता है, जो स्थानीय नेता है, उनके खिलाफ भी क्या वहां पर ऐसी कुछ चर्चा हो रही है, कैसा कुछ माहौल है? कारण बिल्कुल जाहिर की बात है कि जैसे ही किसान आंदोलन जारी है तो ऐसे में जो तमाम मुजफ्फरनगर के किसान है तो मुजफ्फरनगर के किसानों में कहीं ना कहीं नाराजगी है बीजेपी का नेताओं के खिलाफ, बीजेपी विधायकों के खिलाफ, क्योंकि हाल ही में जिस तरह का माहौल जिसोली में देखने को मिला था। एक बड़ी बात ये भी बता दूं, क्योंकि मुजफ्फरनगर ये जगह है जहाँ पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत, राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत आते हैं, और यहीं से पश्चिम यूपी की जान कहा जाता है, क्योंकि भारतीय किसान यूनियन की राजधानी भी मुजफ्फरनगर में स्थित है। तो ऐसे में यहाँ पर किसानों का एक बड़ा जनसैलाब कहीं ना कहीं बीजेपी के प्रति नाराजगी जाहिर करता नजर आ रहा है, जैसे आज महापंचायत में देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पर मुजफ्फरनगर से काफी लोग पहुंचे, काफी किसान पहुंचे, क्योंकि राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन के आज 9 महीने के बाद सभा स्थल पर पहुंचे और उन्होंने तमाम किसानों को संबोधित किया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अपने प्रिय नेता एवं किसान नेता राकेश टिकैत की जो आवाज थी, भाषण था, उसे सुनने को भी कहने का ठीक है। तस्लीम एक सवाल और लूंगा, जी ठीक है तस्लीम, एक सवाल और लूंगा, ये पूछना चाहूंगा कि जब सुरक्षा बढ़ाई गई है उसके बाद उमेश मलिक का कोई बयान अभी तक सामने आया है, कुछ कहा है उन्होंने सुरक्षा बढ़ाए जाने को लेकर? बिल्कुल कानेंद्र, उन्होंने कहा है कि महापंचायत के दौरान ऐसे लोगों को मंच दिया गया जो मुजफ्फरनगर दंगे में इन्वॉल्व थे, उन पर मुकदमे किए गए हैं, ऐसे लोगों पर यहाँ पर मंच उन लोगों को दिया गया, उन लोगों को मंच पर बैठाया गया। तो ऐसे में यहाँ पर 2013 के जो दंगे हुए थे उनको याद दिलाते हुए बीजेपी विधायक उमेश मलिक ने कहीं ना कहीं किसान यूनियन पर और संयुक्त किसान मोर्चा पर कहीं ना कहीं निशाना साधा है। जी कामेंद्र जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तस्लीम हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तस्लीम थे, पूरी जानकारी दे रहे थे। इसके साथ ही आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर का अपडेट फिलहाल ये है कि वहाँ पर जीआईसी ग्राउंड में जो जनसैलाब है वो उमड़ा हुआ है, और इसके साथ ही वहाँ पर तमाम अन्य नेता भी पहुँचे हैं, और इस बीच बीजेपी विधायक की सुरक्षा बढ़ाए जाने की भी खबरें सामने आ रही हैं। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।